हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, एक क्वेश्चन और एक क्वेरी काफी ज्यादा निकल के आ रही है आप सभी की तरफ से। आप लोग सभी लोग वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर एग्जाम की डेट शीट कब तक आएगी और एग्जाम हमारा कब कंडक्ट होगा, एग्जैक्टली हमारे सब्जेक्ट का एग्जाम कौन से डेट पे कंडक्ट होगा। बिकॉज एग्जाम की जो डेट है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर रखी गई है, इसके बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ऐसे में गाइस, कौन से डे पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा आज के इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे आपको अपने इसी चैनल पे यूजीसी नेट एग्जाम टारगेट फ्री कंटेंट भी अवेलेबल करवाता हूँ, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस भी मैं आपको इस पे यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। जैसे NIRF IIRF की जो रैंकिंग हुई है अभी रिसेंटली, इसको मैंने आप यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव हो गए हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी लेक्चर जरूर फॉलो करें, इससे आपको पेपर वन में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। गाइस देखिए, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में, क्योंकि तब तब आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, एक प्रॉपर डेट शीट आती है कौन से डे पे कौन सा एग्जाम होगा, ऐसा बता दिया जाता है पहले ही। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है कि एक सिंगल डे पे सभी के एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि आपका आपका एग्जाम ऑनलाइन है, तो एग्जाम आपका जो ऑनलाइन हुआ था लास्ट रिसेंट टाइम में, अभी 6 मंथ पहले की बात है ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें इस तरह का डेट शीट आपके सामने देखने को मिलेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह की डेट शीट आपको देखने को मिल सकती है अपकमिंग डेज में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डे एग्जाम हुआ था वो इंग्लिश, हिंदू, स्टडी, डोगरी, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन, कोंकानी, कंपेटी स्टडीज तरह की, और कॉमर्स भी इसी में लिया गया था। यानी जो फर्स्ट डे था, और सॉरी फर्स्ट डे इंग्लिश लिटरेचर का हुआ था, सेकंड डे था दैट वाज कॉमर्स। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा आपका लेबर वेलफेयर हो गया, कंप्यूटर साइंस भी आपका सेकेंड डे ही एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया था। देन थर्ड डे पे एजुकेशन था, कंपेरेटिव लिटरेचर, इस तरीके से जो है आपके सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अलग अलग डेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। देन थर्ड डे, फोर्थ डे पे हिंदी हो गया, होम साइंस हो गया, मैनेजमेंट स्टडी हो गया, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन हो गया, और लास्ट में जा करके आपका एग्जाम हुआ था लॉ का। सबसे एंड में एग्जाम लॉ का लिया गया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये लास्ट 6 मंथ पहले हुई हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा जैसा NTA करता है, लगभग वैसा ही फिर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो डेट शीट है दिसंबर जून 2000 अगस्त 2024 वाली, वो आपको जल्दी ही अपकमिंग डेज में देखने को मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 वीक के अंदर आ जाएगी। तो जैसे ही ऑफिशियल डेट शीट आएगी तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप लोग परेशान हो रहे थे, बता पूछ रहे थे सर बार बार हमारा एग्जाम कब होगा। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और एक क्वेश्चन और भी निकल के आ रहा है कि सर क्या आप हम क्या हम लोग अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिस का वेट कर लो, NTA की तरफ से कोई नोटिस आएगा तो पता चलेगा। इनफैक्ट इसके लिए आप लोग मेल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोग मेल करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग सुनेंगे और आपका आपका सेंटर चेंज करने के लिए विंडो ओपन करेंगे। तो ईमेल आईडी यहाँ पर भी मेंशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन है, UGCNET@NTA.ac.in, इस वाली ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है कि सेंटर चेंज किया जाए। आप लोग रिक्वेस्ट डालिए, जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका सेंटर चेंज करने की जो विंडो है वो ओपन कर देंगे। इसके अलावा गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम टारगेटेड करना चाहते हो, मिनिमम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो अभी जो अगस्त सितंबर वाला एग्जाम है इसके लिए हमने आपको आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवाया है 1499 में। इसकी फीस हमने 2299 अलग करके हमने सिर्फ और सिर्फ 1499 रखी हुई, ताकि आप सभी लोग अफोर्ड कर पाए। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको इस कोर्स में प्रैक्टिस करने के लिए। इन PDF नोट्स होंगे जिसका यूज करते हुए आप रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा दिसंबर बैच भी इसमें स्टार्ट कर दिया है, इसमें दिसंबर में आपको अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है UGC10, आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस, ये जो क्लासेस हैं ये आपको कहाँ अवेलेबल होंगे, कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है, तो पेपर वन अवेलेबल है कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर दो तो एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर के हम आपको स्टडी करवा रहे हैं। किस तरीके से आपको इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।